नमस्कार। हिंदू लोग के इन वीडियोस में आज अपने देखते हैं नया प्रश्न, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू विधि के स्रोत। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि हिंदू विधि जब बनाई गई, हिंदू लॉ का जब निर्माण हुआ, तो किन सोर्सेज को की सहायता लेकर के हिंदू लॉ का निर्माण किया गया। स्टडी के लिहाज से, अध्ययन के दृष्टि से अपने इसको दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला, एंशियंट सोर्सेज या प्राचीन स्रोत, प्राइमरी सोर्सेज या प्राथमिक स्रोत इनको कह सकते हैं। दूसरा, मॉडर्न सोर्सेज या नवीन स्रोत। पहला पॉइंट अपने करेंगे एंशियंट सोर्सेज और दूसरा मॉडर्न सोर्सेज। एंशियंट सोर्सेज को अपने चार हिस्सों में इसको देखना है। एंशियंट सोर्सेज में चार चीज़ें हैं, इसमें आएगी श्रुति, स्मृति, भाष्य और निबंध और कथा। श्रुति, स्मृति, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट और कस्टम्स, रूढ़िया, प्रथाएं, परंपराएं, जे होते हैं हिसाब से इसको देखते हैं। और दूसरा पार्ट इसका मॉडर्न सोर्सेज, नवीन स्रोत। नवीन स्रोत में या मॉडर्न सोर्सेज में विधायक यानी कि लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजन या न्यायिक निर्णय, और तीसरा इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्साइंस या समता, न्याय और सद्भाव। तो सबसे पहले एक एक करके अपने सारी चीज़ को इसको समझते हैं कि प्राचीन स्रोत में किस तरीके से कोई चीज़ हिंदू विधि का स्रोत बनी। प्राचीन स्रोत में अपने चार पॉइंट्स इसमें आएंगे, चार पॉइंट्स के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है श्रुति। श्रुति शब्द का अगर अपने डिक्शनरी में नहीं देखें, शाब्दिक अर्थ देखें, तो इसका मतलब होता है जो कुछ सुना गया, जो कुछ सुना गया, हियरिंग है, यानी कि जो कुछ उसने व्यक्ति ने सुना। यहाँ पर ऐसी मान्यताएँ हैं, ऐसे बिलीव्स हैं कि प्राचीन काल में, प्राचीन हिंदू लोगों की ऐसी मान्यताएँ हैं कि प्राचीन काल में हमारे जो ऋषि मुनि थे, हिंदू मॉन्क्स थे, हिंदू ऋषि मुनि महात्माएँ थे, उन लोगों का आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इतना था कि उनकी अल्माइटी गॉड या भगवान परमात्मा से बातचीत होती थी। इस मान्यता के हिसाब से जब ये बातचीत होती थी, तो उस बातचीत के दौरान लाइफस्टाइल के लिए, दिनचर्या के लिए, जीवन पद्धति के लिए भगवान ने ऋषि मुनियों को जो कुछ भी बातें कही, उन बातों को उन्होंने लिख लिया। और वो लिखा किसमें? चार वेद और छह वेदांतों में लिखा। जैसा कि सबको पता होगा, चार वेद हैं हिंदू मान्यताओं के अनुसार। चार वेद हिंदू संस्कृति में चार वेद को माना गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसी तरीके से छह वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। तो मान्यताओं के अनुसार हिंदी हिंदू जो ऋषि मुनि थे, प्राचीन ऋषि मुनि थे, उनका आध्यात्मिक विकास इतना था कि वो भगवान के साथ उनकी जो बातचीत होती थी, उस बातचीत के दौरान भगवान ने उनको जो कुछ भी कहा था, जीवन पद्धति के लिए, संस्कृति के लिए, दिनचर्या के लिए, जीवन यापन के लिए, जो कुछ भी बातें उनसे कही, उन्होंने चार वेद और छह वेदांगों में लिख लिया। तो जब हिंदू लॉ का निर्माण किया गया, तो उस समय में इन वेद तथा वेदांगों में लॉ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें थी जो काम आ सकती थी, जो समय के अनुसार प्रासंगिक उनको लगी, विभिन्न निर्माताओं को। तो जब निर्माण किया गया, हिंदू लॉ का निर्माण किया गया, उससे संबंधित एक्ट जब बनाए गए, हिंदू लॉ बनाया गया, तब सबसे पहला प्राइमरी सोर्सेज के रूप में चार वेद और छह वेदांगों में जो कुछ भी बातें लिखी हुई थी, उन बातों को हिंदू लॉ का निर्माण करने समय हेल्प ली गई, सहायता ली गई। तो इस सोर्स का नाम दिया गया श्रुति, क्योंकि ये जो कुछ सुना गया था, उस सुनने के आधार पर जो कुछ लिखा गया, और जब हिंदू लॉ बनाया गया, उस समय चार वेद और छह वेदांगों में जो कुछ भी बातें थी, जो लॉ से रिलेटेड काम आ सकती थी, उन चीज़ों को हिंदू लॉ बनाते समय एडॉप्ट किया गया, उनकी हेल्प ली। दूसरा पॉइंट आता है स्मृति। स्मृति का मतलब हुआ मेमोरी, जो कुछ याद रह गया, जो कुछ याददाश्त में रह गया। वही बात कि जो मान्यता है हिंदू संस्कृति के अंतर्गत कि लोग ऋषि मुनियों का आध्यात्मिक विकास होता था, कि बातचीत के दौरान जो कुछ बातें थी, उन्होंने श्रुति के रूप में लिख लिया। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो उनको बाद में याद आई, उस समय जो कुछ बातें लिख ली गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उनको बाद में याद आई, वो उन बातों को वेद और वेदांतों के अंदर उन ऋषि मुनियों ने स्मृतियों के रूप में लिखा। जैसा कि अब लोगों को, अपने सब लोगों को पता है, काफ़ी से ऐसी स्मृतियाँ हैं, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, भारद्वाज स्मृति। तो ये सभी स्मृतियाँ जो है, इनमें भी विधि के अनुरूप जो बातें प्रासंगिक हो सकती थी, वर्तमान समय में जो चीज़ें हिंदू लॉ में सहायता कर सकती थी, तो उन बातों को वेद और वेदांत
वेदांगों के साथ साथ स्मृतियों का भी अध्ययन करके उनमें से जो बातें हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग उनको सही लग रही थी, तो हिंदू लॉ का जब निर्माण किया गया इन स्मृतियों का अध्ययन करके भी इनमें से भी कुछ बातों की सहायता ली। तीसरी बात आती है भाष्य अग्निबंध कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। जैसा कि हमने ऊपर बात करी स्मृति और श्रुति यानी चार वेद छह वेदांत और तीसों तरीकों की कई स्मृतियां, आने वाले समय में लोगों ने इन सभी चीजों का अलग 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 अध्ययन किया और इस अध्ययन के पश्चात अपने व्यू को अपनी जो कमेंट्री थी उनको कुछ पुस्तकों के रूप में आगे चल करके लिख लिया। यानी चार वेद छह वेदांत स्मृतियां और भी जो धार्मिक पुस्तकें और भी जो किताबें थी उन चीजों का अध्ययन किया और आने वाले समय में भाष्यकारों ने इतिहासकारों ने विधि शास्त्रियों ने इन चीजों का अध्ययन करके अपने शब्दों में अपने भावों में उन चीजों को समझ करके उनका कुछ सार रूप पुस्तकों के रूप में लिखा जिनको नाम दिया गया भाष्य और निबंध। वैसे तो बहुत सारी लिखी गई लेकिन मुख्य रूप से मिताक्षरा और बाइबल ये दो पुस्तकें दो ग्रंथ लिखे गए जो कि वेद वेदांत और स्मृतियों का अध्ययन करने के पश्चात विज्ञानेश्वर जो विधिशास्त्री थे या इतिहासकार थे उन्होंने लिखा मिताक्षरा और जो जीमूतवाद थे उन्होंने लिखा दायभाग। तो आगे चलकर के इन चीजों को लोगों ने अनुसरण करना शुरू कर दिया और यही मिताक्षरा और दायभाग ग्रंथ को पढ़ने वाले लोगों ने आगे चल करके मिताक्षरा और दायभाग शाखा के लोगों को यानी कि जो लोग मिताक्षरा ग्रंथ को पढ़कर के मिताक्षरा पुस्तक को पढ़कर के उसकी बातों का अनुसरण करने लगे वो लोग तो मिताक्षरा शाखा के लोग हो गए और बंगाल और आसाम का कुछ एरिया था जहाँ पर दायभाग ग्रंथ को मानने वाले लोग थे और इसका लोग अनुसरण इमिटेशन अनुकरण करने लगे तो ये लोग दायभाग शाखा के लोग हो गए। तो कुल मिलाकर मुख्य रूप से क्या थी दो पुस्तकें थी दो ग्रंथ थे मिताक्षरा और दायभाग जिनको लिखने वाले थे विज्ञानेश्वर और जीमूतवाद। तो जब हिंदू लॉ का निर्माण किया गया तब इन बातों को श्रुति और स्मृति के साथ साथ वेद वेदांत और स्मृतियों के साथ साथ इन भाष्यों के बंधन कमेंट्री डाइजेस्ट मुख्य रूप से जिसमें मिताक्षरा और दायभाग की सहायता ली कि इन चीज़ों को भी जब इनमें जो लिखी गई बातें थी इनका भी हिंदू लोग बनाते समय अनुसरण किया गया इन बातों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया। फिर पॉइंट आता है कथाएं कस्टम्स। हिंदू विधि में हिंदू सोसाइटी में हिंदू संस्कृति में काफी प्रथाएं और परंपराएं थी जो प्राचीन समय में चली आ रही थी। उन प्रथाओं को भी जब हिंदू लॉ का निर्माण किया गया उस समय में अडॉप्ट किया गया शामिल किया गया तो उन प्रथाओं को भी हिंदू विधि में जब निर्माण किया गया उसमें शामिल किया। प्रथाएं अगर अपने इसको देखें तो प्रथाएं मुख्य रूप से तीन तरीके की प्रथाओं को अगर काइंड्स ऑफ कस्टम्स देखें प्रथाओं के प्रकार देखें तो टेरिटोरियल कस्टम हो सकती है प्रादेशिक प्रथा सोशल कस्टम्स या इसको क्लासिकल कस्टम या वर्गीय प्रथा भी कहते हैं फैमिली कस्टम्स या पारिवारिक प्रथा यानी किसी एरिया विशेष में किसी पूरे एरिया में जो प्रथा एक समान रूप से मानी जाती है समझी जाती है जिसका अनुसरण किया जाता है उसको तो कहेंगे प्रादेशिक प्रथा। कोई वर्ग विशेष या समाज विशेष किसी प्रथा को अगर मान रहा है उसका अनुसरण कर रहा है तो वो सामाजिक प्रथा और किसी परिवार विशेष के द्वारा मानी जाने वाली या अनुसरण की जाने वाली प्रथा को कहा जाएगा पारिवारिक प्रथा। तो काफ़ी ऐसी प्रथाएँ थी हिंदू लॉ के बनने से पहले 1955 से पहले जो प्रथाएं हिंदू सोसाइटी में चली आ रही थी हिंदू समाज हिंदू संस्कृति के अनुरूप चली आ रही थी तो उसमें काफ़ी ऐसी प्रथाएं थी जो प्रादेशिक प्रथाएं थी कुछ वर्गीय प्रथाएं या सामाजिक प्रथाएं थी कुछ पारिवारिक प्रथाएं थी। तो जब हिंदू लॉ का निर्माण किया गया तो उन प्रथाओं में से काफ़ी प्रथाओं को एडॉप्ट किया गया काफ़ी प्रथाओं को समाप्त किया गया। जिन प्रथाओं को शामिल किया गया या कोई भी प्रथा वैलिड कब होगी कौन सी प्रथा को मान्य प्रथा समझा जाएगा इसके लिए कुछ गाइडलाइन भी है कि कौन सी प्रथाएं ऐसी है जिनको मान्य प्रथा समझा जाएगा कौन सी प्रथा ऐसी है जिसको मान्य प्रथा नहीं समझा जाएगा वैलिड कस्टम नहीं माना जाएगा। तो कुछ बातें हैं इसमें जो अपने को ध्यान रखनी जरूरी है। सबसे पहली बात कि कोई भी प्रथा प्राचीन कोई भी प्रथा मान्य प्रथा कब समझी जाएगी इसके लिए सबसे पहली बात है कि वो प्रथा प्राचीन होनी चाहिए एंटीक्विटी होनी चाहिए उसमें प्राचीनता होनी चाहिए। प्राचीनता की कसौटी क्या होगी उसका आधार क्या होगा तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो प्राचीनता की कसौटी का आधार है कि ऐसी प्रथा जो मेमोरी में नहीं है कि वो प्रथा कब से चली आ रही है यानी जो याददाश्त में नहीं है जिसके बारे में पता नहीं है कि ये प्रथा कब से चली आ रही है हमारी काफ़ी पीढ़ियाँ ऐसी हैं जो इस प्रथा को मान रही है दादाजी परदादाजी या उनके पिताजी के समय से चली आ रही है मतलब जिसके बारे में यह जानकारी न हो कि
कि ये प्रथा कब से चली आ रही है, बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो उस प्रथा को माना जाएगा कि वो प्राचीन प्रथा है। दूसरी बात निरंतरता, कंटिन्यूटी, यानी जो प्रथा प्राचीनता के साथ साथ उसमें निरंतरता का भाव भी होना चाहिए, यानी जिस समय से जो प्रथा शुरू हुई थी उस समय से अभी तक निर्बाध बिना किसी बाधा के वो अनवरत चली आ रही है, ऐसी प्रथा ही मान्य प्रथा समझी जाएगी। तीसरी बात, प्रथा रीजनेबल होनी चाहिए, युक्तियुक्त होनी चाहिए, यानी किसी भी सामान्य बुद्धि और विवेक वाले व्यक्ति के समझ में वो प्रथा उचित होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तभी वो माना जाएगा कि प्रथा वैलिड कस्टम है, मान्य प्रथा है। चौथी बात कि उस प्रथा विशेष को समाप्त करने के लिए लॉ नहीं होना चाहिए, यानी प्रथा कभी भी विधि विरुद्ध नहीं हो सकती। किसी भी प्रथा विशेष को समाप्त करने के लिए अगर लॉ बना दिया गया और बाद में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ये कहा जाता है कि मेरे परिवार में या मेरे समाज में या हमारे एरिया में इस प्रकार की प्रथा चली आ रही है, तो वो प्रथा मान्य प्रथा नहीं समझी जाएगी। जैसे बाल विवाह प्रथा चली आ रही थी लेकिन उसको बाल विवाह निषेध अधिनियम बना दिया गया, इसी तरीके से सती प्रथा चलती आ रही थी उस सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अधि एक्ट बना दिया गया, यानी जिस प्रथा विशेष को समाप्त करने के लिए लॉ बना दिया गया इसका मतलब वो प्रथा क्या हो गई, विधि विरुद्ध हो गई, अगेंस्ट द लॉ हो गई, तो ऐसी प्रथा मान्य प्रथा नहीं समझी जाएगी। तो ये बात भी हमने प्रथाओं तो प्राचीन सोर्स जो स्रोत थे, एंशियंट सोर्सेज थे, जिनमें श्रुति यानी जो कुछ सुना गया भगवान के द्वारा ऋषि मुनियों को, जो कुछ भी आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया था, जीवन पद्धति के लिए जो ज्ञान दिया गया था, उस ज्ञान को, उस समझ को उन्होंने अपनी हिसाब से चार वेद और छह वेदांगों में लिखा। तो जब हिंदू लॉ का निर्माण किया गया तो इन वेद और वेदांगों में जो कुछ बातें विधि के अनुरूप हो सकती थी उनको शामिल किया गया। इसी तरीके से स्मृति, जो स्मृतियाँ लिखी गई ऋषि मुनियों के द्वारा, उनका भी जब लॉ बनाया गया तो उसमें हेल्प ली गई कि किस कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदू लॉ बनाते समय काम आ सकती हैं। इसी तरीके से आने वाले समय में इतिहासकारों ने, भाष्यकारों ने, विधि शास्त्रियों ने जो कमेंट्री और डाइजेस्ट लिखे थे, मुख्य रूप से दो को शामिल किया था, मिताक्षरा और दायभा, इनमें इन ग्रंथों में जो कुछ बातें हिंदू लॉ से रिलेटेड हो सकती थी उन चीज़ों को शामिल किया गया, और हिंदू संस्कृति के अंतर्गत हिंदू सोसाइटी में, हिंदू समाज में जो कोई भी प्रथाएँ, परंपराएँ, कस्टम्स चली आ रही थी उनमें से भी काफ़ी चीज़ों को लेने का प्रयास किया गया। तो हिंदू विधि के एंशियंट सोर्सेज, प्राचीन स्रोत में ये चार चीज़ें आते हैं, श्रुति जिसके अंतर्गत चार वेद और छह वेदांत, स्मृतियाँ, भाष्य और निबंध जिसमें मुख्य रूप से मिताक्षरा और दायभा, और प्रथाएँ। तो प्रथाओं के साथ हमने किया कि प्रथाएँ प्रादेशिक, सामाजिक और पारिवारिक, टेरिटोरियल, सोशल और फैमिली कस्टम्स हो सकती है, और प्रथा मान्य प्रथा कब समझी जाएगी, वैलिड कस्टम कब होगी, जिसके लिए अपनी तीन चार बातें की कि एंटीक्विटी, प्राचीनता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, रीजनेबलनेस होनी चाहिए, युक्तियुक्तता होनी चाहिए, और अगेंस्ट द लॉ वो प्रथा नहीं होनी चाहिए। तो ये इसके एंशियंट सोर्सेज। फिर अपने बात करते हैं मॉडर्न सोर्सेज, नवीन सोर्स। इसमें तीन तरीके के सोर्सेज हैं, विधायक लेजिस्लेशन, दूसरा न्यायिक जुडिशियल डिसीजन, तीसरा समता न्याय और विवेक, इक्विटी जस्टिस। सबसे पहले बात करते हैं विधायक। तो किसी भी लॉ का सबसे मजबूत और सशक्त जो सोर्स है वो माध्यम है, स्ट्रॉन्ग जो मीडियम इसका है वो है लेजिस्लेशन, यानी लेजिस्लेशन के द्वारा वहाँ के लोगों के लिए जो कोई भी अपनी लॉ मेकिंग पावर के तहत जो कोई भी एक्ट बना करके, इनेक्टेड लॉ बना करके लोगों के लिए उसके सामने रखे जाते हैं वो उसका सोर्स हुआ। तो नवीन स्रोत में 1955 में जब हिंदू मैरिज एक्ट या इस तरीके के और भी जो एक्ट हैं जो बनाए गए 1955 में, हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया, इसके अलावा आपके हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम बनाया गया, उत्तराधिकार अधिनियम बनाए गए, तो ये सारे एक्ट जो हैं वो विधायक के रूप में हिंदू विधि का स्रोत के रूप में समझे जाते हैं। दूसरी बात आती है जुडिशरी के द्वारा टाइम टू टाइम हिंदू लॉ के ऊपर जो कोई भी निर्णय लिए जाते हैं, प्राचीन टाइम में, पुराने समय में प्रीवी काउंसिल के द्वारा, या वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो पूरे भारत के लिए एक समान रूप से बाउंडिंग ऑब्जर्वेशन रखते हैं, बाध्यकारी होते हैं, तो वो निर्णय क्या है उस हिंदू विधि का स्रोत है। इसी तरीके से जुडिशरी के द्वारा अपने जुडिशियल एक्टिविज्म के अंतर्गत इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्साइंस का जो सिद्धांत का उपयोग करके कुछ निर्णय दिए जाते हैं, यानी कई बार कई विधियों में गैप रह जाता है, कई बार न्यूमरल एरिया विधि तीन क्षेत्र रह गया, या दो विधियाँ आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, या कई बार ऐसी परिस्थिति आ रही है कि विधियों को लागू करने में अन्याय की संभावना हो सकती है, तो
शिव क्या करती है, समता न्याय और सद्विवेक के सिद्धांत का इस्तेमाल करके उसको यूज करके जब निर्णय देती है तो वो भी क्या है कि मॉडर्न सोर्सेज के रूप में, नवीन स्रोत के रूप में काम में लिया जाता है। तो मॉडर्न सोर्सेज जो हिंदू लोग हैं ये तीन अपने इसमें देखें, सबसे पहला है लेजिस्लेचर के द्वारा अपने लॉ मेकिंग पावर को यूज करते हुए इलेक्टेड लॉ, जो भी अनियमित विधियां बनाई जाती है वो उस लॉ का सोर्स हो गए। दूसरा जुडिशरी के द्वारा न्यायिक निर्णय जब दिया जाता है या जुडिशरी के द्वारा ही जस्टिस और गुड कॉन्सेंस का इस्तेमाल करते हुए जब अपने निर्णय सुनाए जाते हैं तो ये भी विधि के स्रोत के रूप में काम आता है। तो हिंदू विधि के मॉडर्न सोर्स के रूप में हमने तीन की, तो ये आज का प्रश्न था हिंदू विधि के स्रोत, जिसमें इसको दो पार्ट में पढ़ा, एंशियंट सोर्सेज और मॉडर्न सोर्सेज। एंशियंट सोर्सेज में श्रुति, जिसके अंतर्गत चार वेद और छह वेदांत, दूसरा स्मृति, तीसरा भाषण निबंध जिसमें मुख्य रूप से मिताक्षर और लायभाग, और चौथा प्रथाएं। और मॉडर्न सोर्सेज के अंतर्गत विधायक, लेजिस्लेशन, न्यायिक निर्णय,